कपड़ा कितना ही महंगा पहन लो लेकिन बाल नहीं तो सारा मामला खराब हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने लगभग 2 साल पहले डॉक्टर सौभिक गुप्ता साहब के यहाँ करोल बाग में जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, मैं 2 साल पहले बिल्कुल गंजा था, ये बिल्कुल बीच में मेरे बाल नहीं थे। तो मैं मिसिस के साथ जाता था तो अजीबोगरीब लगता था, अंकल अंकल बोलते रहते थे और ख़ुद को महसूस होता था। कहीं फंक्शन वगैरह में जाता था, कपड़ा कितना ही महंगा पहन लो लेकिन बाल नहीं तो सारा मामला ख़राब हो गया था। और जब मैं इधर आया तो मैंने 2 साल पहले अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे, मेरे पीछे से बाल लिए थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई दर्द हुआ ना कुछ हुआ। अब 2 साल बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ ताकि ग्रोथ बढ़ा लूँ PRP कराने, और मेरे को बहुत अच्छा लगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया इलाज है और बहुत बढ़िया लगा। मेरे को लोग पहचानना भूल गए हैं कि ये ग्रीस वही वाला है, नया है, तो मेरे आगे से निकल जाते हैं, मेरे जानकार भी मेरे को पहचानते नहीं हैं। तो इतना कहना चाहता हूँ, जो भी है बहुत बढ़िया इलाज यहाँ होता है, आप भी आइए देखिए फिर नज़ारा। और सर, मोस्टली पेशेंट पूछते हैं कि सर्जरी के वक्त पेन वगैरह तो नहीं होता? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो, सुई चुभेगी, कांटा चुभता है पैर में तो दर्द तो होता है। ओके, तो सुई चुभेगी तो जरा सा महसूस तो होता ही है, जैसे चीटी काट लेती है इतना महसूस होता है, उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मली आप अपना मजे से कुछ भी। मैंने आराम से कराया, कोई एक दिन में मेरा इलाज हो गया और उसके बाद में फिट फॉर एकदम। और PRP के लिए आप आते रहे? PRP के लिए अब आना शुरू कर दिया मैंने कि और ग्रोथ बढ़ा लूँ थोड़ा सा। ये बाल मेरे टूटा कोई नहीं, 2 साल में मेरा एक बाल नहीं टूटा। मैंने 5,000 बाल लगाए थे, मेरे 5,000 पूरे सेफ बाल है, टूटा कोई नहीं है। क्योंकि पहले मेरे बाल टूटते थे तो मुझे लगता था कि गिर रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी PRP करा के, अब मैंने आज PRP कराई है, अब आगे मैं रूटीन में PR करके और ग्रोथ बढ़ा लूँगा मैं इसको। इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। ये मेरा पुराना फोटो है, ये देखिए, जब मैं आया था 2 साल पहले, ठीक है, और 2 साल पहले है और अब मैं आपके सामने हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।